हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर। ये बॉयलर हॉरिजॉन्टल, इस जो स्टीम टैंक है वो हॉरिजॉन्टल है, तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सटर्नली फायर्ड, मतलब इसके अंदर जो फ्यूल है वो अंदर नहीं जलता, एक बाहर फर्नेस बनी होती है उसके अंदर जलता है। इसके अंदर जो ट्यूब्स के अंदर है वो वाटर फ्लो होता रहता है, इसलिए ये वाटर ट्यूब बॉयलर है। इसका जो प्रेशर है, वैसे तो लो प्रेशर बॉयलर है अगर यहाँ पर सुपर हीटर नहीं लगाया जाए तो इसमें हम लो प्रेशर से लेकर हाई प्रेशर, एक्सट्रीमली हाई प्रेशर तक की स्टीम बना सकते हैं, इसलिए इसको हम हाई प्रेशर बॉयलर बोलेंगे। ठीक है, तो ये इसकी खासियतें हैं क्या क्या, हॉरिजॉन्टल, एक्सटर्नली फायर, स्टेशनरी, हाई प्रेशर एंड वाटर ट्यूब बॉयलर है। इसकी कैपेसिटी लगभग 50 लाख केजी वाटर पर हावर को स्टीम में कन्वर्ट करने की इसकी कैपेसिटी होती है। इतनी ज़्यादा कैपेसिटी का जो बॉयलर है वो बहुत कम पाए जाते हैं दुनिया में। ठीक है, अब हम इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में देख लेते हैं, डिस्क्रिप्शन के बारे में कि इसमें क्या क्या चीज़ होती है। तो सबसे पहले देखते हैं हम इसका जो स्टीम टैंक है, ये जो स्टीम टैंक है ये आधे मीटर से लेकर 1.5 मीटर तक की डायमीटर का एक स्टीम टैंक होता है। ठीक है, ये जो स्टीम टैंक है इसकी लंबाई निश्चित नहीं होती है, लेकिन इसकी लंबाई लगभग 8 से 10 मीटर के आसपास बड़ी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, ये बॉयलर के ऊपर डिपेंड करता है कितना बड़ा बॉयलर बनाया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं इसका ये जो वाटर ट्यूब्स हैं। देखो यहाँ पर अपटैक हेडर और डाउन टैक हेडर, इनके बारे में देखते हैं, उसके बाद में हम वाटर ट्यूब देखेंगे। ये डाउन टैक हेडर है, ये यहाँ पर लोहे की बड़ी बड़ी गडर होती है उनके ऊपर रखा हुआ होता है, तो यहाँ से वाटर नीचे की ओर आता है और ये ऊपर यहाँ से स्टीम बन के ये ऊपर की ओर जाता है, तो इसके बीच में लगी होती है ये वाटर ट्यूब। ठीक है, ये लगभग 5 डिग्री से लेकर 15 डिग्री के एंगल पर झुकी होती है, लेकिन जनरली ये 15 डिग्री के एंगल पर ही झुकी रहती है, जिसके कारण यहाँ से जो वाटर है वो आसानी से आता है और स्टीम में कन्वर्ट होने के बाद में ये ऊपर आसानी से जाता रहता है। अगर ये एंगल हम कम रखेंगे तो इसके अंदर स्टीम ट्रैप होने लगेगी, जिसकी वजह से स्टीम निकल नहीं पाएगी। ठीक है, और यहाँ पर ये इनकी लंबाई लगभग 6.5 मीटर की होती है और 100 mm इसका डायमीटर होता है इन ट्यूब्स का। ये 6.5 मीटर काफी लंबी होने की वजह से जब इसका यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये नलियाँ मुड़ सकती है, मुड़ने की वजह से क्या होगा, ये चिपक जाएगी, तो इसको बचाने के लिए यहाँ पर ये अलग से बैफल्स लगाए होते हैं। ये बैफल्स, 2 बैफल्स लगे हैं, ये इसको बीच में सपोर्ट देते हैं ये जो ट्यूब्स हैं इनको। दूसरा काम बैफल्स का क्या है कि यहाँ जो फर्नेस है इससे जो भी हीट निकल रही है वो सबसे पहले जाएगी ऊपर से होती हुई नीचे आएगी, फिर यहाँ से फिर ऊपर जाएगी, फिर ये नीचे जाएगी, मतलब इसको बहुत ही ज़्यादा हीटिंग सरफेस मिल जाएगा। यहाँ पर जो देखो इतने बड़े रास्ते से होकर ये घूम कर बाहर जा रही है। ठीक है, यहाँ डाउन टैक हेडर के नीचे वाले भाग में एक ग्लोव कोक लगा होता है जो गंदगी साफ करने के लिए लगा होता है, यहाँ पर एक मड बॉक्स होता है। देखिए यहाँ पर वाटर भरा हुआ है तो इसके नीचे वाला भाग है ये, सबसे नीचे वाला ये। ठीक है, तो सारी गंदगी आकर यहाँ पर जमा होती रहती है और जब इसकी सफाई करनी होती है तो इसको खोलकर उस गंदगी को पानी के साथ में बाहर निकाल देते हैं और फिर वापस बंद कर देते हैं। यहाँ पर एक मैन होल लगा होता है, इसको खोलकर इसके अंदर कोई भी व्यक्ति एंटर कर सकता है इसकी साफ सफाई के लिए और इंस्पेक्शन के लिए, मरम्मत के लिए, जो भी करना है यहाँ से एंटर कर सकता है। ठीक है, लेकिन ये काम होगा बॉयलर को अच्छी तरह से बंद करने के बहुत टाइम बाद में, जब भी पूरी तरह से ठंडा हो जाए तब जाके। यहाँ पर फर्नेस के बारे में देखते हैं, तो ये जो हिस्सा है इस हिस्से से इसमें फ्यूल दिया जाता है, जो फ्यूल होता है वो कोल होता है और कोल बारीक पिसा हुआ तो नहीं होता लेकिन लगभग ये पिसा हुआ होता है, 10 से 15 mm की मोटी मोटी कंक्रीट के जैसे कोयला पिसा हुआ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक ट्रॉली होती है जो बाहर आती है और उसमें कोयला डाल दिया जाता है और फिर वो आधे मीटर पर मिनट की स्पीड से धीरे धीरे अंदर जाती है और जब लास्ट सिरे तक पहुंचती है तब तक ये पूरा फ्यूल जल जाता है, जलने के बाद इसको बाहर निकाल लिया जाता है और जो बची हुई राख है एस पिट में जाके गिर जाती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इसमें क्रिएट होता है। ठीक है, यहाँ पर देखो स्टीम और वाटर दोनों एक साथ ही रहते हैं इसलिए लो प्रेशर है। यहाँ पर देखो एक लगा हुआ है स्टीम
स्टीम स्टॉप वाल्व यहां पर लगा हुआ है, ठीक है। तो यहां पर देखो स्टीम को हम डायरेक्ट टैंक से नहीं निकाल सकते, इसलिए क्या कर रखा है, यहां से स्टीम टैंक से स्टीम को लिया जाता है, फिर उसको निकाला जाता है सुपर हीटर के द्वारा गुजारा जाता है। तो सुपर हीटर में से जब स्टीम गुजरती है तो जब मान लो इसका टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस है, तो यहां से गर्म इस सुपर हीटर से जब गर्म हवा निकलती है तो इसका टेम्परेचर 450 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है और इसका प्रेशर भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो टेम्परेचर के साथ साथ में प्रेशर तो बढ़ना ही है। यहाँ पर नीचे एक फ्यूजल प्लग लगा होता है, फ्यूजल प्लग का काम जानते हो तुम, ये सेफ्टी के लिए होता है। जब इसमें ये जो वाटर है, वाटर टैंक है, तो इसमें वाटर लेवल कम हो जाता है तो ये पिघल जाता है, जिसकी वजह से जो भी थोड़ा बहुत बचा हुआ वाटर होता है वो आकर यहाँ पर इसको फर्नेस को बुझा देता है, जिससे क्या होता है ये जो बॉयलर है वो बंद हो जाता है और जिससे इसके जो फटने का खतरा खत्म हो जाता है। यहाँ पर एक वाटर लेवल इंडिकेटर है जिसको वाटर गेज बोलते हैं, ये वाटर लेवल बताता रहता है। ये एक प्रेशर गेज है, ये प्रेशर गेज काम है प्रेशर बताने का, ठीक है। ये प्रेशर गेज ये बड़ा बॉयलर होने की वजह से दो लगे होते हैं और ये वाटर लेवल इंडिकेटर इसमें दो से चार तक भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम दो होते हैं, ठीक है। स्टीम स्टॉप वाल्व का काम है यहाँ से जो सुपर हीटेड स्टीम है उसको बाहर निकालने का काम है, किसी टर्बाइन तक ले जाने के लिए यहाँ से निकाला जाता है। स्टीम सेफ्टी वाल्व का काम है जब इसके अंदर जो टैंक है, स्टीम टैंक है, इसके अंदर जब प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाए, जब प्रेशर ज्यादा हो जाए तो बॉयलर को फटने का, जो बॉयलर टैंक है इसको फटने का खतरा होता है। तो जब हाई प्रेशर होता है तो ये ऑटोमेटिक खुलता है और खुलने के बाद में एक्सेस स्टीम बाहर निकलती है, उसके बाद भी ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर एक डैम्पर होता है, डैम्पर का काम ये है कि जब हम इसको अपोजिट साइड से खींचेंगे तो यहाँ पर एक काउंटर वेट लटका होता है, इसमें बता नहीं रखा, उसका वेट इसके और इस डैम्पर के बराबर होता है, दोनों का वेट सेम होता है। जब इसको हम खींचते हैं तो ये ऊपर उठ जाता है, ऊपर उठ जाता है तो ये बॉयलर चलने लगता है, और जब ये नीचे आ जाता है तो यहाँ पर जो एक तरह से ये है इसकी चिमनी, ठीक है, यहाँ से फ्ल्यू गैसेज बाहर निकलती है। तो जब ये फ्ल्यू गैसेज बाहर निकलना बंद हो जाती है तो इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे क्या होगा इसकी फर्नेस बुझ जाएगी और फर्नेस बंद होने में जैसे पूरा पूरा बॉयलर बंद हो जाएगा। तो बंद और चालू करने के लिए यहाँ पर डैम्पर लगा होता है, जब इसको ऊपर करेंगे तो ये बॉयलर चलता रहता है और जब इसको नीचे कर देंगे तो ये बॉयलर बंद हो जाता है। यहाँ पर दो गेट छोड़े गए हैं इंस्पेक्शन डोर, इस फिगर में दो ही दिखा रखे होते हैं लेकिन जनरली ये पांच होते हैं। यहाँ पर ये जो वाटर ट्यूब है, यहाँ पर भी जो 100 mm का जो इनका डायमीटर है, यहाँ पर भी इनकी सफाई के लिए खुला हिस्सा होता है जिसको नट बोल्ट से कसा हुआ होता है, तो इसको खोल कर इसकी सफाई आसानी से की जा सकती है और इसमें कुछ रह रहा हो तो ठीक है। अगर आपको कुछ इसमें पूछना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय दे सकते हो और पूछ सकते हैं। थैंक यू।